दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हो या नए यूज़र हो और अभी अभी आप कंप्यूटर सीख रहे हो और आपको पीपीटी फाइल को मेल करना है, तो आज हम नए यूज़र को जो अभी भी कंप्यूटर सीख रहे हैं उनको बताएंगे कैसे हम पीपीटी फाइल को मेल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। पावर पॉइंट पीपीटी फाइल को मेल करने के लिए आपको इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है और गूगल में टाइप करना है जीमेल एंड पहला ही लिंक आएगा, इसको ओपन कर लीजिए। साइन इन कीजिए आपके जीमेल में एंड यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल के आप साइन इन हो जाइए। जीमेल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कंपोज दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर कंपोज का बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन डालनी है मेल से रिलेटेड एंड टू में डालेंगे ईमेल आईडी जिसे हम भेज रहे हैं, सब्जेक्ट में फाइल से रिलेटेड सब्जेक्ट एंड टेक्स्ट आपको डालना है तो डाल दीजिए। चलिए हम मेल का, चलिए ईमेल आईडी डाल देते हम एंड यहाँ सब्जेक्ट डालेंगे आप क्या भेज रहे हैं, पावर पॉइंट फाइल और आपको सब्जेक्ट डालना है तो आप अपने आप से डालिए एंड यहाँ पर आपको टैग डालना है फाइल से रिलेटेड तो आप डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। यहाँ से आपको फाइल अटैच करना है अपनी पावर पॉइंट पीपीटी की। अब दोस्तों, यहाँ से आपको फाइल को अपलोड कर देना है। आपको फाइल देखना है कहाँ पर है, किसी पर्टिकुलर ड्राइवर में, तो ड्राइवर से सिलेक्ट करके डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी डेस्कटॉप पे हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पर है 3D प्रिंटिंग वाली एक पीपीटी, हमें इसे मेल करना है, इसे हम अपलोड कर देते हैं एंड पीपीटी फाइल अपलोड होने के बाद आप सेंड पे क्लिक कीजिए। ठीक है, सेंड पे क्लिक करने के बाद मैसेज आ जाएगा, आपका ईमेल सेंड हो चुका है। अब इसे आप चेक कीजिए सेंड में जाकर, तो यहाँ पर सक्सेसफुली बता रहा है। तो इस तरह से हम पावर पॉइंट पीपीटी को मेल कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल पर बनी रही है। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।